हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट एनर्जीज़, उनके फ्यूचर एक्शन को भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में सोचिए और हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, टेन ऑफ वॉन्ड्स एयर साइन सबसे ज़्यादा, थ्री ऑफ पेंटिकल्स द फूल की एनर्जी। ठीक है, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, ये एनर्जी बहुत यूनिक है। जानते हैं कि आखिरकार ये पर्सन आपके बारे में महसूस क्या कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, ये एनर्जी ओवरऑल बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे बदलाव के साथ आपके पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहे हैं। जी हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर फाइनली एक कमबैक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कमबैक आसान नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना जनाब, ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लो, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, वही वाली सिचुएशन यहाँ पे हो रखी है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहा है आपकी तरफ, है ना। ये पर्सन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला, इस रिश्ते की एनर्जी कुछ भी नहीं है, इस रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, और ये बिल्कुल मतलब कहते नहीं आपसे मुंह फेर चुके हैं। दोनों के बीच में कंप्लीट कट ऑफ को देख के मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ कि ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, और आपको ऐसा लगता है ना कि अब ये पर्सन आपके पास शायद कभी लौट कर ना आए। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन शायद आपकी तरफ मुड़कर कभी ना देखे। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो शायद आपको ये, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये आपका माइंड आपसे ये बोल रहा है ना, कहीं ना कहीं आपका माइंड आपसे बोल रहा है। लेकिन ऑपोजिट है दूसरी तरफ, जो आपको दिख नहीं रहा है। आपका दिमाग सिर्फ वहीं तक सोच सकता है जहां तक आपको चीज़ें दिखें या फिर नहीं दिखें, पर इस पर्सन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये पर्सन ना अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि अब ये उभर गए हैं इस रिश्ते से। ठीक है, अब ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, अब इनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये पर्सन आपको गुमराह कर रहे हैं। जी हाँ, ये पर्सन आपको अपनी एक्चुअल फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, एक्चुअल फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं। वो इसीलिए छुपा रहे हैं, अपने आसपास एक मुखौटा पहने हुए, एक घेरा इसलिए बना दिया है कि ना इनका नेक्स्ट एक्शन किसी को ना पता चल सके, नेक्स्ट मूव। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट है, काफ़ी समय से इनफैक्ट आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है, और बिल्कुल भी बातचीत ना होने के कारण इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें छूटी हैं, इस रिश्ते में बहुत सारी अनकही चीज़ें हैं जो रह गई है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे के मन में एक दूसरे को लेकर नफ़रत भी पैदा कर रही हैं। ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में कि आप एक दूसरे को देखते हो ना, अगर सोशल मीडिया पर भी देखते हो तो आपको एक दूसरे को लेकर एक दूसरे के मन में बहुत ज़्यादा गलत फहमी भी उठती है। गलत फहमी इस चीज़ की उठती है, आपको लगता है कि ये पर्सन आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो ये एनर्जी चल रही है। पर देखना, जैसे कि अब इम्पॉसिबल सा हो गया है, और बिल्कुल जैसे कहते नहीं, एक रेगिस्तान बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल ज़मीन बंजर सी हो चुकी है। आप दोनों की प्यार की कहानी कुछ इस तरीके से अभी मुझे बंजर सी नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ आपके लिए, गुड न्यूज़, एक चीज़ ये बता दूँ, ये पर्सन पहले होंगे जो इस बंजर ज़मीन में सबसे पहले आएंगे और सबसे पहले पहल करेंगे इस रिश्ते में। जी हाँ, ये जो रिश्ता है आगे बढ़ने तो वाला है,
ठीक है, इस बात में कोई दोराहे नहीं है, ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके पर्सन की तरफ से एक्शन के बाद ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इस एक्शन के बाद देखना आप दोनों की लाइफ हमेशा के लिए चेंज होने वाली है। इस रिश्ते में कुछ ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसका आप कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। और ये जो चेंज है वो काफ़ी तेज़ी से होता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे मैं बता रही हूँ? मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि जितने भी यहाँ पे डिलेज थे ना, जितने भी यहाँ पे देरें ही हो रही थी, जितने भी कम्युनिकेशन को लेके यहाँ पे आपको डाउट था, जितनी भी चीज़ें आप मन ही मन इमेजिन कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें हाथ से निकल रही है और कहीं ना कहीं आप मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत बेबस महसूस कर रहे थे, पर यही पर्सन आपकी बेबसी को ही आपका ताकत बनाएंगे क्योंकि ये पर्सन अब एक्शन लेने की मोड में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। मैंने कहा इस रिश्ते में सबसे पहले पहल ये करेंगे, चाहे भले ही आप कुछ ना करो, चाहे भले ही आप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ, पर आप देखना इस पर्सन की तरफ से जो एक्शन आएगा ना वो आपको चौंका देगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। अब यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एरीज लियो सैज, ठीक है, लीब्रा जेमिनाई एक्यूरियस की एनर्जी नज़र आ रही है। अब क्या है ना, इस रिश्ते में कुछ भी आसानी से नहीं होने वाला, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ज़्यादातर वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, कुछ भी इस रिश्ते में आसान नहीं होने वाला। और इनफैक्ट मैं देख रही हूँ जो आपकी इंट्यूशन बोल रही थी ना, आपकी गट फीलिंग बोल रही थी कि ये पर्सन एक बार तो वापस आने वाले हैं, एक ना एक दिन, एक बार तो हमारी बात होने ही वाली है। तो आपका शक जो था, आपका अंदाज़ा जो मैं बोलूँगी वो बिल्कुल सही निकला। देखो अब इस पर्सन को अकेलापन सता रहा है, ठीक है, वो क्यों सता रहा है? वो इसलिए सता रहा है कि इनको पता है, इनको अच्छी तरीके से पता है कि अब टाइम इनका है और अब इनको अकेले ही चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अकेले ही ये पर्सन आपके पास आएंगे, अकेले ही ये सारी चीज़ करने वाले हैं। पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है इनको इस बात का डर है, इस बात का मतलब इनको हमेशा दिल में रहता है, इस चीज़ से ये घिरे रहते हैं कि इनके जो कहते नहीं रिश्ते नाते हैं वो शायद इस रिश्ते के खिलाफ है, रिश्तेदार नातेदार जो हैं वो इस रिश्ते के खिलाफ है, क्योंकि वो इस रिश्ते के खिलाफ है, इस पर्सन के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई है, स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, देखो मैंने कहा था ना इस पर्सन ने एक मुखौटा पहन लिया है, ये पर्सन नहीं दिखा रहे अपने आप को, मतलब एक कवच में रख रहे हैं, अपने नेक्स्ट एक्शन को कवच में रख रहे हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा इसलिए बोला ना क्योंकि इस पर्सन ने धोखा खाया हुआ है, ठीक है, ये पर्सन धोखे में रहे हैं, धोखे से अभी निकले हैं। किस बात का धोखा? और ये जो धोखा है इनके करीबियों की तरफ से आया है, इनके अपनों की तरफ से आया है, तभी तो ये पर्सन ना अपने आप को बिल्कुल इन्होंने अलग सा कर लिया था, ठीक है। इतना ज़्यादा बुरा तब नहीं लगता जब कोई दूसरा धोखा दे, बुरा तो तभी लगता है जब कोई अपना ही खुद से मुंह फेर ले जिससे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। तो इनको ऐसा लगता था, शायद इन्होंने आपको बोला भी था कि इनके घर वाले इनका साथ देंगे, पर कहीं ना कहीं ये डर ये भी है ये कि अपने आप को ये प्रूव कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। एक तो दूसरों की जजमेंट, ठीक है, ऊपर से अपने साथ नहीं दे रहे, ऊपर से बाकी सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बाकी सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और इनको सताती है। सोचिए इतनी मुश्किलों के बाद भी, स्पेशली जब इस पर्सन को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आप इनका वेट कर रहे हो या आप किसी और के साथ हो, इस चीज़ का इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, फिर भी ये पर्सन मैंने बोला ना एक्शन के साथ आपके पास बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बहुत सुनी है दूसरों की, बहुत आज्ञाकारी भी रहे हैं, बहुत दूसरों की मानी भी है, पर ये देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने ठान लिया है कि वो हर एक चीज़ करेंगे जो आपके रिश्ते को आगे लेके जाएगी, हर एक चीज़ करने के लिए ये पर्सन रेडी है,
जो आपको और इनको करीब लेके आएगी। देखो किस तरीके से मैं देख रही हूँ, अगर पूरी दुनिया भी इनके खिलाफ हो गई है तो भी ये पर्सन हार नहीं मान रहे हैं, तो भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि एक चांस तो बनता है। जब तक ये अपने आसपास वालों को कन्विंस ना कर ले, मैं बता रही हूँ ये पर्सन हार नहीं मानेंगे, क्योंकि इस रिश्ते को ही सक्सेसफुल बना के रहेंगे। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आप भी समझ रहे होगे किस तरीके से ये पर्सन कोशिश में लगे हुए हैं, भले ही इनसे इनके अपने मुंह फेर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और, आप दोनों के बीच में जो इनकम्प्लीट बिजनेस है, जो इन आप दोनों के बीच में जो अधूरी बातें रह गई, जिसकी वजह से आज भी दोनों के बीच में शक पैदा हो रहे हैं ना, उस चीज़ के बारे में भी बात होगी। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, नंबर एक, यहाँ पे क्लैरिटी नज़र आ रही है। क्लैरिटी आपको देंगे और दूसरा कमिटमेंट। कॉमेंट सेक्शन में लिखो कमिटमेंट, क्लैरिटी, ठीक है, और क्या बोला था मैंने, और अभी क्या बोला था, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन और क्लैरिटी। ये तीनों चीज़ें अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और वही चीज़ ये आपको देने के लिए आ रहे हैं। इट्स लाइक अ गोल्डन ट्रायंगल, इट्स लाइक अ गोल्डन ट्रायंगल, आप आपके पर्सन और जिनको ये कन्विंस करना चाहते हैं वो, और ये यहाँ पर ट्रायंगल जो है गोल्डन होने वाला है और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। क्योंकि देख लो यहाँ पे फूल की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में इनको खुशी मिलती है, जिस दिशा में इनका दिल कहता है ना इनको जाना चाहिए, ये चीज़ वो करेंगे। अब वो किसी के बोलने से रुकने नहीं वाले, पर वो चीज़ वो करके ही रहेंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मन ना, इनकी आवाज़ इनको रोक रही है। इनका मन, जैसे कहते हैं मन बहुत चंचल होता है, कुछ करने से पहले वो आपको 10 बार रुकवाएगा, 10 बार सोचवाएगा। इनका मन कह रहा है नहीं, रहने देते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। पर ये पर्सन पता क्या बोल रहे हैं, दिल के ये मेरा शोर करे इधर नहीं उधर नहीं तेरी और चले। तो ये पर्सन जहाँ पे इनकी दिल की खुशी है ना, बोरिया बिस्तर बांध कर ये चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, विदाउट देखे, विदाउट सोचे समझे कि आगे की ओर क्या होगा। ये पर्सन अब एक्शन पे फोकस करेंगे, एक्शन से होने वाली चीज़ कम्प्लीटली आपके हाथ में है, पूरी तरीके से रेडी होते हुए। और ये पर्सन ना सिर्फ अंधाधुंध एक्शन ही नहीं लेंगे, ये सक्सेस में बदलेगा। देखो जिस स्ट्रगल के लिए ये काम कर रहे हैं, जिस स्ट्रगल के लिए ये अभी तक आपसे दूर रहे, वही स्ट्रगल देखना यहाँ पे। मैं बता रही हूँ 97% ऑफ रिलेशनशिप्स यहाँ पे मैरिज में बदलेगी। क्योंकि ये जो आपका सेपरेशन का टाइम है, ये आपका टेस्टिंग टाइम है, ये टाइम गुजर जाएगा। क्योंकि ये पर्सन ना आपके पास पूरी तरीके से आने के लिए रेडी है। अब इन्होंने सोच लिया ना, आप चाहे कुछ भी हो जाए, अब कदम ले लिया है तो उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे, सक्सेस होगी और सबकी रजामंदी से होगी। चाहे आपके पर्सन किसी और से एंगेज्ड भी है, मुझे लगता है इनके अंदर अब हिम्मत आ गई है, यहाँ पे बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, सारी मुश्किलों को एक साथ लेके चल रहे हैं, सारी मुश्किलों को ये अकेला फेस कर रहे हैं, इतनी हिम्मत इनमें आ गई है। देख लीजिए, दिस इज़ द पावर ऑफ लव। कमेंट सेक्शन में लिखिए दिस इज़ द पावर ऑफ लव, क्योंकि जो चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देती है, है ना। तो ऐसा लग रहा है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने ये पर्सन अब रेडी हो गए हैं, आपके पास फाइनली आ गए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिएगा आगे की ओर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखना ज़रूर। गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर देना। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।